नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा और आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स में। तो दोस्तों, आज मैं आई हूं हर की पौड़ी घूमने और मैं आप सभी को अपने साथ पूरा हर की पौड़ी घुमाऊंगी और यहां के सभी भगवान के मंदिरों के दर्शन भी कराऊंगी। साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से भगवान का मंदिर कहाँ पे स्थित है। और जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो में कि हम पूरा मार्केट घूम रहे हैं, तो ये है हर की पौड़ी का मार्केट, जो कि जब आप हर की पौड़ी जाते हैं तो इसी मार्केट से गुजरते हुए आप हर की पौड़ी पहुँचते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ऐसे ही ट्रैवलिंग व्लॉग्स पसंद हैं तो अपने चैनल कैप्चर अनसीन मोमेंट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे अगर वो हरिद्वार आने का या कहीं और दूसरी जगह घूमने का प्लान करते हैं तो वो मेरे व्लॉग्स देखकर वहाँ की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी नई जगह घूमनी हो, वहाँ की पूरी जानकारी लेनी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं पूरी कोशिश करूँगी ताकि मैं वहाँ का व्लॉग आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। हर की पौड़ी आने के लिए आप वाल्मीकि चौक से ई रिक्शा टेम्पो ले सकते हैं, जो कि 20 रुपीस चार्ज करते हैं पर पर्सन, या फिर आप बाइक या स्कूटी से पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी कार से आए हैं या प्राइवेट टैक्सी से आए हैं तो आपको पेड पार्किंग में अपनी पार्किंग करनी होगी और फिर वाल्मीकि चौक से आपको ई रिक्शा और टेम्पो हर की पौड़ी आराम से पहुंचा देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने कि हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पे, और ये जो आप देख रहे हैं ये है मेन प्रवेश द्वार हर की पौड़ी के लिए, जहाँ से आप एंटर करते हैं। और जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे मंदिर हैं। तो आज मैं आप सभी को ये सारे मंदिर घुमाने वाली हूँ और पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देने वाली हूँ। भैरव बाबा के दर्शन के बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आप सामने देख सकते हैं जय महाकाली है। और ठीक इन्हीं के सामने है श्री सत्यनारायण मंदिर, आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी भी साथ में है। और ठीक इनके लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पर श्री केदारनाथ जी। हर हर महादेव। और इससे जब आगे आप बढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं प्राचीन बद्री नारायण मंदिर, यहाँ पे मेंशन भी है। जय हो प्रभु। और यहाँ पे लिखा हुआ है पीपलेश्वर महादेव मंदिर, तो चलिए दर्शन करते हैं। ये देखिए साथ में पीपल का पेड़ है और महादेव है, इसलिए इसका नाम पीपलेश्वर महादेव रखा गया है। और महादेव के साथ ही साथ आप देख सकते हैं गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। और यहां से अब आगे हम बढ़ते हैं तो ये है श्री गंगा मंदिर। Thank you.
ये है श्री गंगा मंदिर, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय हो गंगे मैया की। और अभी सभी मंदिरों के बाद हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले नज़ारा दिखाती हूँ ऊपर से कि माँ गंगे कैसी लग रही है यहाँ से। देखिए अभी शाम का समय है तो श्रद्धालु अभी कम आए हुए हैं घाट पर, और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा रात होती जाएगी, शाम के समय आरती के टाइम आप देखेंगे कि पूरा का पूरा हर की पौड़ी पूरा फुल हो जाएगा माँ गंगा की आरती देखने के लिए। चलिए चलते हैं यहाँ से नीचे की ओर। अभी मैंने आपको ऊपर मंदिर दिखाए थे और आप यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे जब आप उतरते हैं तो यहाँ पर भी छोटे छोटे मंदिर बनाए हुए हैं। ये है गंगा माता मंदिर, मतलब ये लिखा है प्राचीन श्री गंगा मंदिर हरिचरण, मतलब ये उनके चरण है यहाँ पर। और साथ ही में श्री साक्षेश्वर महादेव महादेव है का मंदिर भी है। तो चलिए दर्शन कराती हूँ मैं आपको पास से। देखिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग रूप है कितने मतलब बड़े रूप में यहाँ पे विराजमान है। हाँ जी पंडित जी बताइए। अभी ये पंडित जी ने हमें बताया है कि ये कुदरती महादेव का मतलब शिवलिंग है, शंभु बोलते हैं इन्हें। अभी इनकी इनको मतलब अभी साफ किया जा रहा है और उसके बाद इनका श्रृंगार किया जाएगा। हर हर महादेव। यहाँ से अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ पर है गणपति जी और पंडित जी। ये कौन है माता? गंगा मैया। तो जी तो सामने आप देख सकते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जी और इनके बिल्कुल बगल में है गणपति जी और साथ ही में गंगा मैया विराजित हैं यहाँ पर। और आगे आप देख पा रहे हैं कि भोलेनाथ जी और लड्डू गोपाल जी हैं। तो चलिए इस मंदिर की एक बार परिक्रमा हम कर लेते हैं। ये है यहाँ का आइकॉनिक टावर जो कि मैंने आपको सुबह भी दिखाया था।
और यहाँ से आप देख सकते हैं दृश्य, लोग स्नान कर रहे हैं अभी और बहुत ही प्यारा दृश्य आ रहा है यहाँ से देखने में। चलिए यहाँ से परिक्रमा पूरी करते हैं हम माँ गंगा के। ये जो मंदिर है देखिए, ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, ये मुझे पंडित जी ने बताया है ये सबसे पुराना मंदिर है और ये ही मेन है श्री गंगा मंदिर। और जो ये वाला मंदिर है, जिन्होंने पंडित जी ने मुझे मना कर दिया कि फोटोग्राफ और यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको दर्शन नहीं करा पाई हूँ, तो ये बाद में बना है मंदिर माता का। और पंडित जी ने मुझे बताया है कि यहाँ पर ये लकड़ियों की सीढ़ियाँ हुआ करती थी, जो कि ऑब्वियसली कुछ सालों के बाद या कुछ मतलब कहें तो 100-200 साल पहले यहाँ पर ये पूरा चेंज कर दिया है। मंदिर से अगर आप आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये है चौकी तखत, जहाँ पर जो पंडित जी हैं वो बैठते हैं। और यहाँ पर पेंटदान, तर्पण, सुहाग पिटारी, जनेऊ, काल सर्प दोष समस्त पूजा पाठ कराया जाता है। और यहाँ पर बैठे हैं पंडित जी, चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर वो क्या क्या पूजा कराते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। थोड़ा मुझे ये मैंने फिलहाल बता दिया है कि क्या है ये, लेकिन थोड़ा सा आप विस्तार में बताना चाहेंगे कि ये जो तख्त आपने बताया है और चौकी है, ये चौकी पे बैठ करके पंडित जी का बैठ करके पूजा करवाते हैं जी, आरती करवाते हैं, दर्पण होते हैं, पिंड होते हैं, समस्त पूजा होते हैं। तो जो दक्षिणा रहती है वो अपना श्रद्धा, अपना खुशी, अपना भावना का, जिस तरह माता ने दी है उस तरह का सेवन करना है, जिस तरह नहीं दी है वो हाथ धोना। अच्छा, तो पूजा आप जो कराते हैं तो मतलब इसके ऊपर ही बिठा के मतलब कराते हैं या नीचे या उधर इधर लेके जाते हैं? गंगा तट पे भी पूजा होते हैं, तखत पे भी पूजा होते हैं। आइए नारायण। तो पेंट दान की भी आप यहाँ पे पूजा कराते हैं, तो मतलब अपने साथ ऊपर बैठाते हैं विराजमान और फिर सामने उनकी बढ़िया से बैठ करके पूजन करवाते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। जय गंगे मैया। अभी पंडित जी ने बताया है, पूरी जानकारी दी है कि ये जो आप पूरा देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर सारे पूजा पाठ जितने भी होते हैं वो कराया जाता है। और ये वही है जहाँ से हम लोगों को शाम को आरती देखने को मिलेगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा एरिया, बिल्कुल भी रश नहीं है यहाँ पर। लेकिन अगर आप शाम को जब मैं आपको आरती दिखाऊंगी तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा जो जगह है भर जाएगा, मतलब पैर रखने की भी यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी हमें। लेकिन फिलहाल देखते हैं हम कहाँ बैठते हैं शाम को, कि इस तरफ या हम सामने भी बैठ सकते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं। तो सामने जाने का रास्ता मैंने आपको ऊपर दिखाया है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभी हर की पौड़ी पे हूँ और आप देख पा रहे हैं उस गेट से हमने एंट्री ली थी सामने, और मैंने आपको सभी मंदिरों के दर्शन कराए थे जो जो रास्ते में हमारे पड़ रहे थे। और अगर ये है ब्रह्मकुंड एरिया जहाँ पर शाम को आरती होगी, 6 बजे आरती होती है यहाँ पर शाम को। और वो रास्ता जो कि आपको वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो रास्ता जो जा रहा है और वहाँ पर सीढ़ियाँ भी बनी है, तो अगर आपको उस घाट की तरफ जाना है तो आप उस तरफ से जाके सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे और आप उस तरफ पहुँच सकते हैं। और क्योंकि शाम को यहाँ पे भीड़ हो जाएगी तो सामने बैठ के आप माँ गंगा की जो आरती है उसके दर्शन कर पाएंगे। और अगर आपको उस तरफ आनंद लेना है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। और प्लस ये तो जो माँ गंगा है बीच में है और इसका जो भाव है कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा, और यहाँ पर ये मेन लोग यहाँ पर नहाते हैं। तो मैंने आपको सुबह दिखाया था उस तरफ, वो मेन गंगा है जहाँ पर स्नान लोग नहीं करते हैं, वो इस वजह से क्योंकि जो गंगा का प्रवाह है वो बहुत तेज है और वहाँ आप नहीं नहा सकते हैं, इसलिए उस
जगह की जगह यहाँ पर नहाने के लिए जगह बनाई गई है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस तरफ आ चुकी हूँ। तो अभी थोड़ी देर में पहले उस तरफ थी जहाँ से मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरफ आना है तो ये जो आप पुल देख रहे हैं, इसको पूरा क्रॉस करके इन सीढ़ियों से नीचे उतर के आप इस जगह पहुँच जाएंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ से भी पूरा दृश्य दिखाऊंगी कि यहाँ से हमें एक ऐसा दृश्य मिलता है, और साथ ही ये पूरी जानकारी मैं आपको इसमें देने वाली हूँ कि हर की पौड़ी का नाम हर की पौड़ी कैसे पड़ा, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर घाट पर, क्योंकि यहीं पर आइकॉनिक टावर है, मतलब घंटाघर है, जो कि मैंने आपको दिखाया था सुबह और अभी भी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सामने थी, जो कि है ब्रह्मकुंड घाट, और वहाँ से मैंने आपको नज़दीक से दिखाए थे सारे मंदिर और सभी देवी देवताओं के दर्शन कराए थे। साथ ही साथ मैंने आपको तब कह लीजिए या चौकी कह लीजिए, उसके बारे में भी बताया था कि वहाँ पर जितनी भी पूजा पाठ किए जाते हैं यहाँ पर गंगा मैया हर की पौड़ी में, तो उसके बारे में भी बताया था। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी, यहाँ से आप देख पाएंगे अस्थि प्रवाह घाट है, जहाँ पर अस्थियाँ बहाई जाती हैं। और अगर आप इस तरफ देखेंगे, मतलब अगर आप इस तरफ जाते हैं तो महिला घाट आता है, जो कि मैंने आपको सुबह भी दिखाया था, जहाँ पर महिलाएं स्नान करती हैं और वो वहाँ पे चेंज करती हैं, मतलब इट मीन्स वो चेंजिंग रूम है महिला का स्नान। कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से अमृत निकला था, जो कि गरुड़ जी एक कलश में लेकर जा रहे थे। तो जब उस कलश में अमृत को लेकर जा रहे थे तो उसमें से चार बूंदें छलक गई थी, एक बूंद छलकी थी हरिद्वार के हर की पौड़ी में, जहां मैं अभी खड़ी हूं और आप सभी को लेकर आई हूं, दूसरा नासिक में, तीसरा उज्जैन में, और चौथा प्रयागराज। हर की पौड़ी में सुबह सूर्य उदय के समय और शाम को सूर्य अस्त के समय दोनों टाइम आरती होती है, और लेकिन जो मेन आरती होती है वो शाम के समय होती है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे वो भी हरिद्वार आने के लिए पूरी जानकारी अच्छे से ले सकें। साथ ही दोस्तों, मैंने हरिद्वार की हर की पौड़ी की गंगा आरती की एक वीडियो बनाई है, अगर आप सब हर की पौड़ी की मेन गंगा आरती देखना चाहते हैं और भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उस पर क्लिक करके आप हर की पौड़ी की जो पूरी आरती है देख सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा और मिलती हूँ अगले एपिसोड में। हर हर गंगे।